अगर आपके YouTube वीडियो को भी कोई बार बार रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि गैस ऐसा मेरे चैनल पर बार बार हो रहा है, कोई मेरे वीडियो को बार बार रिपोर्ट कर रहा है, और ऐसे में YouTube क्या मेरे चैनल को टर्मिनेट कर देगा? हाय एवरीवन, मेरा नाम है अरुण और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल होल ज्ञान चैनल पर। सो गैस आज की वीडियो का टॉपिक में मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि अगर कोई आपके वीडियो को बार बार रिपोर्ट करने से क्या होता है। तो सबसे पहले दो तरह के लोग होते हैं जो वीडियो को रिपोर्ट करते हैं, एक वो जो आपके वीडियो से जलन रखते हैं यानी ईर्ष्या रखते हैं, ऐसे लोग होते हैं, और दूसरे वो जो इन चार या पाँच कैटेगरी में आने वाले कुछ वीडियो को देख लेते हैं तो उन लोग जो है रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जलन और ईर्ष्या रखने वालों का। अब जलन और ईर्ष्या रखने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन का एक ही आईपी एड्रेस रहता है। ठीक है गैस, आईपी एड्रेस से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा। तो यहाँ पर गैस ये होता है कि आप एक ही फ़ोन में चार पाँच या छः भी जीमेल आईडी को लॉगिन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका फ़ोन का जो एक ही आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ जलन वाले लोग का। जलन वाले लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं अपने दूसरे जीमेल आईडी से, अपने चैनल वाले जीमेल आईडी से नहीं करके दूसरे जीमेल आईडी से रिपोर्ट करते हैं उनके चैनल पर जाकर, जैसे कि इस वक्त मेरे चैनल को कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब क्या करेगा, यूट्यूब प्रोडक्ट है गूगल का, गूगल यहाँ पर कितना बड़ा कंपनी है आप सब जानते हैं, और YouTube से आप पैसा कमा सकते हैं, और YouTube जो है हमारे वीडियो से ही 45% अर्निंग को लेता है, यानी हमारे ही वीडियो से वो पैसा कमाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, Google यहां पर नोटिस करेगा कि कौन से आईपी एड्रेस से YouTube में चलते इस बंदे का, मतलब मेरे चैनल के वीडियो का रिपोर्ट जा रहा है। ठीक है, अब रिपोर्ट जा रहा है तो कौन रिपोर्ट कर रहा है, कौन से आईपी एड्रेस से रिपोर्ट कर रहा है, किस जीमेल आईडी से रिपोर्ट कर रहा है, ये सारा चीज वो है कैलकुलेट करेगा, देखेगा, चेक करेगा, देन वो डिसाइड करेगा कि ये जो रिपोर्ट आ रहा है क्या एक जन कर रहा है, कितने लोग कर रहे हैं। और अगर आप 10-15 आईडी से अगर रिपोर्ट कर देते हैं एक ही आईपी एड्रेस से और जीमेल से रिपोर्ट करके, तो यहाँ पर नुकसान हो जाएगा आपको। क्या होगा, अगर आपने कभी भी फ्यूचर में उसी आईपी एड्रेस में अपने चैनल वाले जीमेल आईडी को अगर लॉगिन कर देते हैं तो आगे चल के आपका जो है चैनल क्या होगा, स्पैम हो जाएगा। फिर उसके बाद कभी भी वो गूगल में रैंक नहीं करेगा ना ही यूट्यूब में रैंक करेगा, क्योंकि गूगल समझ जाएगा कि ये जो बंदा है एक फेक बंदा है, ये दूसरे के वीडियो को नुकसान पहुंचाने वाला है, यानी ये ठीक नहीं है, ये वाला ईमेल आईडी यानी ये वाला जो आईपी एड्रेस वाला जो फ़ोन है इसको स्पैम करके रख देना चाहिए। तो ऐसे में आप अपने चैनल को नुकसान कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूट्यूब जो है चेक करता है ऐसे किसी को, क्या होता है रिपोर्ट कर देने से चैनल टर्मिनेट नहीं कर देगा। यहाँ पर उदाहरण के लिए ले लीजिए मनोज दे को। अब गैस मनोज दे का चैनल इतना ज़्यादा वायरल है और इतना ज़्यादा जो है ग्रोथ कर रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस बंदे का इतना ज़्यादा हेटर्स लोग हैं। अब वो इतना ज़्यादा हेटर्स लोग अगर उसके चैनल को स्पैम करेंगे, मतलब रिपोर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका चैनल तो ऐसे ही टर्मिनेट हो जाएगा। नहीं क्या, अभी तक कैसे बचा रहा है, क्योंकि गैस यहाँ पर YouTube क्या करता है, चेक करता है, Google भी चेक करता है कि कौन से आईपी एड्रेस में रिपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है गैस, ये पांच जो कैटेगरी है, पांचों में से अगर आपका वीडियो आ रहा है, जैसे कि सेक्सुअल कंटेंट, वायलेंस, अगर आप किसी धर्म उर्म को कहते हैं लेके टारगेट करके बोल रहे हैं, या फिर अगर आप कहते हैं स्पैम कर रहे हैं, या फिर अगर कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हैं जो इन पांचों कैटेगरी के अंदर आपका वीडियो आता है, तो हाँ अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, और एक आदमी भी रिपोर्ट करने से नहीं होगा, यहाँ पर लाखों लोग रिपोर्ट करने के बाद ही जो है यूट्यूब यहाँ पर चेक करेगा, अच्छी तरह से एनालाइज करेगा कि हाँ जो स्पैम है तो स्पैम वाला ऑप्शन कितने लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर सेक्सुअल कंटेंट है तो सेक्सुअल वाला कंटेंट को कितने लोग सेलेक्ट करके रिपोर्ट कर रहे हैं, ये सारा चीज़ जो है यूट्यूब एनालाइज करेगा। देन उस क्रिएटर को जो चैनल आईडी, मतलब जिसका भी वो वीडियो है, उस चैनल आईडी को एक मेल चला जाएगा और मेल में बता देगा कि आपका ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो गया, जिस वजह से उस वीडियो को हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं या फिर टर्मिनेट कर रहे हैं। ओनर क्या करेगा, देखेगा कि वो वीडियो सच में क्या इस कैटेगरी में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो देखने के बाद वो अपील कर सकता है कि उस कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है गाइस, अगर आ रहा होगा तो यहाँ पर वो चैनल ओनर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गैस यहाँ पर मेरे वीडियो को क्या कर रहे हैं, बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं, तो गैस यहाँ पर बता दूँ ये पांचों में से कोई भी कैटेगरी में मेरा वीडियो नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बार बार रिपोर्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा आप अपने ही मोबाइल फ़ोन का जो आईपी एड्रेस है उसको स्पैम कर रहे हैं, और फ्यूचर में कभी भी अगर उस मोबाइल फ़ोन से अगर आप अपने चैनल को लॉगिन करते हैं तो गारंटी है आपका चैनल स्पैम हो जाएगा, और ना ही वो गूगल में रैंक करेगा ना ही वो यूट्यूब में रैंक करेगा। उसके बाद आपका चैनल कभी ग्रो ही नहीं करेगा, आपका जितना सब्सक्राइबर है उतना ही रहेगा। हाँ हालांकि एक दो शायद महीना दो महीना में आपका एक दो सब्सक्राइबर बढ़ भी जाए, लेकिन आपका व्यूज़ कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका वीडियो को रीच नहीं देगा यूट्यूब, ना ही वो ग्रो करेगा। आप जितना चाहे कोशिश कर लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप इंस्टा की कुछ गलती कर रहे हैं तो यहाँ पर समझ जाइए, बिल्कुल मत करिए। अब गैस उनका बात करते हैं जो कि जेन्युइन रिपोर्ट करते हैं, यानी सही तरीके से रिपोर्ट करने वाले लोग। अगर ये पांचों कैटेगरी में से अगर
अगर आपका जो है वीडियो आ रहा है तो गारंटी है कि आपका वीडियो को हटा दिया जाएगा, क्योंकि अधिकतर लोग अगर आपके वीडियो को रिपोर्ट करते हैं तो यूट्यूब नोटिस करेगा, चेक करेगा, आपके वीडियो को प्ले करके वॉच किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैनुअली देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखने के बाद आपकी वीडियो पर स्ट्राइक लगा देगा, आपका थंबनेल हटा दिया जाएगा या फिर आपका वीडियो ही हटा दिया जाएगा। और एक दो रिपोर्ट करने से वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस लोग नोटिस करते हैं कि कौन यहाँ पर छेड़खानी कर रहा है, कौन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सारा चीज़ जो है यूट्यूब नोटिस करता है। यूट्यूब जो है गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल यहाँ पर अच्छी तरह से एनालाइज करता है कि कौन से आईपी एड्रेस से क्या रिपोर्ट जा रहा है, किसको रिपोर्ट जा रहा है, कैसा जा रहा है और वो क्या है बंदा, ठीक है। ये सारा चीज़ देखकर ही ये जो है यूट्यूब डिसाइड करता है, फिर उसके बाद वीडियो पर एक्शन लेता है या फिर उस चैनल पर एक्शन लेता है। तो गाइस यहाँ पर अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है बार बार तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरे चैनल पर जैसा हो रहा है, बार बार कोई आकर रिपोर्ट करके जा रहा है मेरे वीडियो को और कमेंट करके बता रहा है कि मैंने इस वीडियो को रिपोर्ट कर दिया, आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। मुझे भी जानना है गाइस कि हमारे टेक्निकल होलियन फैमिली में कितने ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ ऐसा हो रहा है और ऐसे डराया जा रहा है। और अगर आपको डर लग रहा है तो बिल्कुल मत डरिए, रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आपका इन 5 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी में आपका वीडियो नहीं आता हो, ठीक है गाइस। इसलिए संभल के काम करिए और ऐसा काम करिए कि कभी भी कोई भी इन 5 कैटेगरी में आपका वीडियो आए ना और कोई भी रिपोर्ट करे तो वो रिपोर्ट जेन्युइन ना हो, ठीक है गाइस। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि ये जो वीडियो में रिपोर्ट किया जाता है किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से यूट्यूब जो है एक्शन लेता है। तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि इसी तरह की वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।